Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you so much. पिछली बार हम बात कर रहे थे कि सोल को भी सर्वाइवल के लिए कंपैशन चाहिए. वो क्यों चाहिए मेरे समझ में नहीं आया. बाकी पीस में समझा, लव में समझा, पावर समझा, प्योरिटी समझा. लव है, नॉलेज है, जो आत्मा के साथ गुण है. तो आत्मा के साथ गुण जो है वो आत्मा की सर्वाइवल के लिए चाहिए. मतलब फॉर द सोल टू फील गुड, फॉर द सोल टू बी हेल्दी, हमें ये सात गुण चाहिए. जो आपने कोटेशन पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था? उसमें ये समझ में नहीं आया लाइन कि कंपैशन इज एसेंशियल को इतना डबल मोटा लिखा, इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. और उसमें ये भी लिखा था लेकिन कंपैशन इज एसेंशियल फॉर माय पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी. एक बात बताइए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने में मस्त हूँ, किसी का लेना ना देना, किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ. अब दूसरे के लिए अगर मैं कंपैशन नहीं करूँ तो मेरी स्टेबिलिटी की माइंड की नहीं रहेगी. हमने लास्ट टाइम देखा कि आत्मा की सेहत के लिए हमें वो सात क्वालिटीज चाहिए, लेकिन सारा दिन में हम बहुत बार उन सात क्वालिटीज के विपरीत बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं. ऑपोजिट द होल लिस्ट वी सॉ लास्ट टाइम ऑफ इमोशंस विच आर नॉट कम्फर्टेबल, एंगर, एंग्जाइटी, फियर, हर्ट, वो पूरी लिस्ट है. सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट. क्रिएट क्या कर रहे हैं? एंगर, इरिटेशन, फियर, जेलेसी, कॉम्पिटिशन. दो लिस्ट है, दो कम्प्लीटली ऑपोजिट लिस्ट है. अब ये लिस्ट आत्मा की सर्वाइवल के लिए चाहिए, क्रिएट ये लिस्ट कर रहे हैं ऑफ स्ट्रेस, फियर, एंगर, एंग्जाइटी, ये लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं. अब मुझे चेकिंग करनी है अपनी कि मैं ये वाली लिस्ट क्यों क्रिएट कर रही हूँ. ये जो नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट है, व्हाई एम आई द सोल क्रिएटिंग दीज नेगेटिव इमोशंस? हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं. व्हाई एम आई क्रिएटिंग? जब मुझे पता है कि पानी मेरे शरीर के सेहत के लिए अच्छा है, हवा अच्छा है, व्हाई विल आई डू द ऑपोजिट? हमें बंद रूम में जा, हवा ही नहीं है, बंद कर लूं अपने आप? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे. पानी पिए ही ना चार चार दिन, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है. अब हमें ये पता है कि प्योरिटी, पीस, लव, रिस्पेक्ट, ये सोल की हेल्थ के लिए चाहिए. हम क्रिएट एंगर, पेन, इरिटेशन, ये कर रहे हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन टू माई सेल्फ इज कि जब मुझे पता है कि ये सात गुण मुझे शक्तिशाली बनाते हैं, उस आत्मा की शक्ति से मुझे फिजिकल हेल्थ भी मिलती है, मेंटल हेल्थ भी मिलती है, रिश्ते भी अच्छे बनते हैं, करियर में भी सक्सेस और मिलती है, जब मुझे ये सब कुछ पता है, व्हाई विल आई क्रिएट दिस लिस्ट? तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज से मुझे ये वाली लिस्ट, कौन सी वाली लिस्ट? ये जो नेगेटिव वाली है लिस्ट, ये नहीं एक्सपीरियंस करनी, तभी आई विल बी हेल्दी. तो अब मुझे गुस्सा नहीं करना, स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना, ईर्ष्या नहीं क्रिएट करनी, ये सब मुझे करना है. क्योंकि पीस, हैप्पीनेस, लव, इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आत्मा की क्वालिटी है. लेकिन ये अनुभव में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम इसकी जगह ये वाली लिस्ट क्रिएट कर देते हैं. सपोज अभी हम बैठे हैं, ये एक सिचुएशन है, ठीक है, इस क्षण पीस आपकी नेचुरल क्वालिटी है, आपको पीस क्रिएट नहीं करनी पड़ती है. पीस इज हु यू आर. शांति आत्मा का स्वधर्म है. अगर उसका मैं ऑपोजिट नहीं करूं तो ऑटोमेटिक पीस पे रहूंगा. दिस इज द पॉइंट. अगर एक चैनल मैंने रात को लगा के सो गया, ऑन कर दूं सुबह तो वही चैनल रहेगा. Unless I change the channel. So which means unless I create these negative emotions, I am peaceful. The original quality of the soul is already there. Simple ho gaye. To abhi main atma yahan baithi hu, I am peaceful. I don't have to do anything
टू एक्सपीरियंस पीस, ना मुझे अंदर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना मुझे डेफिनेटली बाहर कहीं भी जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इसी क्षण कोई यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जो मुझे सही नहीं लगता, तो उस क्षण में आत्मा क्या क्रिएट कर देती हो? हलचल हो जाती है, डिस्टरबेंस आ जाता है, एंगर क्रिएट कर देती हूँ, एंगर आ जाता है, इरिटेशन क्रिएट कर देती हूँ, नॉट लाइकिंग दैट पर्सन हो जाता है। अभी इसी क्षण कोई कुछ ऐसा कह देता है जो मैं आत्मा हर्ट क्रिएट कर देती हूँ। अभी इसी क्षण कोई मेरे सामने इतना अच्छा कुछ कर देता है जो मैं नहीं अचीव कर पाती तो मैं ईर्ष्या क्रिएट कर देती हूँ। अभी इस क्षण कोई ऐसा कुछ करता है जो वो मेरा कहना नहीं मानता, बात मेरे कंट्रोल में नहीं चल रही तो मैं आत्मा पावर नहीं एक्सपीरियंस करती हूँ तो मैं रिएक्ट कर देती हूँ। ये सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता? होता है, ये सब होता है। आपने अभी कहा मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ठीक हूँ, आराम से बैठा हूँ, सब चाहिए, वाई शुड आई क्रिएट कंपैशन फॉर अदर सोल्स? क्योंकि आप अकेले नहीं रहते, हम परिस्थितियों में और लोगों के साथ रहते हैं। अकेले रहने पर कोई अगर मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हो, थोड़ी देर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म, मुझ आत्मा का अगर किसी के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, अगर मुझ आत्मा की किसी परिस्थिति में आने के कोई चांसेस नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई कर्म भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन डिस्टर्बेंस कब क्रिएट की? कुछ 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 चीज़ें आई, कुछ लोग आए। अब फॉर द सोल टू सर्वाइव, विच मीन्स फॉर द सोल टू बी पावरफुल, क्या करना होगा कि जब परिस्थितियाँ आएंगी, जब लोग अलग अलग तरह का व्यवहार करेंगे, तब मुझे ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ इमोशंस जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मुझे नहीं क्रिएट करने, यही करना होगा। और अगर मैं इनको नहीं क्रिएट करूं तो ये जो 7 गुण हैं, ये मुझ आत्मा के लिए नेचुरल है। लेकिन हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हर्ट हो जाता है, अब मुझे ये सब नहीं क्रिएट करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लोगों के साथ रहते हुए, रिश्तों में इतनी सारी इंटरेक्शन करते हुए, गुस्सा नहीं क्रिएट करना, हर्ट नहीं क्रिएट करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक्सपेक्टेशन नहीं रखना और एक्सेप्टेंस करना है। ओके, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना और एक्सेप्टेंस करना है। एक्सेप्टेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लोग तो मेरे अनुसार नहीं चलते, जैसा हमने राइट समझा वैसा वो नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग करना। अंडरस्टैंडिंग करने से क्या होगा फिर? ये अंडरस्टैंड किए, हाँ, ऐसा है, हाँ, और फिर ऐसा ही बिहेव करता है, राइट, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना, ये समझना कि इस क्षण वो आत्मा उस पोजीशन में है, उसको उतनी ही कैपेसिटी है, राइट, उसका घर का कोई ऐसा ही है, अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, okay, उसका वातावरण ऐसा उसका होगा, वो संस्कार है, संस्कार है, वो पास्ट से वो संस्कार लाया हो सकता है, हो सकता है उसके माता पिता, उनके भी माता पिता से मिला, हाँ, ये सब हम कर रहे हैं। जब हम ये सारी थिंकिंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग है ना, एक्सेप्टेंस बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होगी। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, ये नहीं होता, और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है क्योंकि यू अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग कि ये आत्मा इस समय कोई चीज से गुजर रही है। ये अंडरस्टैंडिंग जब हमें आएगी तो हम उस आत्मा के प्रति कैसी थॉट क्रिएट करेंगे? तब कंपैशन करेंगे। कंपैशन मींस तब हमें ये समझ में आएगा कि मुझे इस आत्मा से कुछ चाहिए नहीं, ये आत्मा तो खुद ही किसी संस्कार के परवश है। अगर मैं भी गुस्से के परवश हूँ तो अब क्या करूँ? हाँ, तो सब परवश होंगे, कोई भी कंपैशन नहीं क्रिएट करेगा। तो इट इज लाइक, मेरा एक संस्कार है कि आप उल्टे सीधे काम करते हो, चिढ़ा मेरे चिढ़ने लायक, जिससे मैं चिढ़ता हूँ। अभी देखो आपकी वोकैबुलरी,
आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं। पहले आपने आधा वर्ड बोल के बीच में रोक दिया कि आप उल्टे सीधे काम करते हो जिससे मुझे चिढ़ाते हो, जिससे मैं पहले वो चिढ़ाते हो वो तो कट हुआ कि अब चिढ़ाता कोई नहीं है, जिससे जिससे हम क्या करते हैं, इरिटेट होते हैं। हाँ, जिससे हम इरिटेट होते हैं, जिससे दूसरा हमें इरिटेट करता है, नहीं। ये डीप इनग्रेन्ड वोकैबुलरी को चेंज करना है। दूसरा इरिटेट नहीं कर रहा है आप, तो फिर अगर मेरा ही संस्कार है तो फिर मुझे ही ठीक होना है। हाँ, तो मुझे ही ठीक होना है, लेकिन ठीक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पहले भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दूसरे का वो कर्म जिसके सामने आप इरिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरा अपना कर्म नहीं चेंज कर रहा, आपको अपनी इरिटेशन खत्म करनी है, तो उसके लिए आपको दूसरे के कर्म को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिस अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये समझा, ये अंडरस्टैंड किया, तो आपकी इरिटेशन खत्म हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही आपकी इरिटेशन खत्म हो गई, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी तो उधर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो वो वहाँ प्रेजेंट है, तो आपने अपने आप को क्या दिया, वो प्योर वाइब्रेशन। दूसरे को भी क्या पहुंचाया, सेम वाइब्रेशन। दिस इज कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन इज कंपैशन, नॉर्मल कंपैशन डेफिनेशन। बाहर की दुनिया के हिसाब से क्या है कि ये समझना कि किसी को कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, और उसके प्रति फिर कुछ करना, दिस इज कंपैशन, जिसको हमने बाह्य रीति से देखा है हमेशा। कोई बीमार है उसका ध्यान रखना, कोई दर्द है उसका ध्यान रखना, किसी के पास धन की कमी है उसको सहयोग देना, कंपैशन ये भी कोई है। प्रॉब्लम में आपको आके सुना रहा है कोई बात, तो उसकी सुन के उसको सहयोग देना, उसको बोलना ठीक है, डोंट वरी, उसको सहारा देना, उसकी मदद करना, उसको पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, कंपैशन। जो ये बहुत करते हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा, कंपैशनेट सोल। इस आत्मा के अंदर बहुत कंपैशन है। कंपैशन है मतलब ये औरों के तकलीफ को समझकर औरों को सहयोग देते हैं, कंपैशनेट सोल। लेकिन कौन सी तकलीफ को समझकर सहयोग देते हैं, बाह्य, बाह्य तकलीफें देखते हैं लोगों की और उसको सहयोग देते हैं। कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं दिस पर्सन इज वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स, है ना, कि ये सड़क पर अगर इनको कोई डॉग दिखता है जिसको चोट लगी है, ये उसका ध्यान रखते हैं। समबडी कैन बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति का ध्यान रखते हैं। तो हम लोगों का ध्यान रखते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये सारा ध्यान हम बाहर की तकलीफ और दर्द को देखकर उसका ध्यान रखते हैं। जैसे कोई कहेगा गर्मी आ रही है, एक कटोरे में सब लोग पानी रखो अपने टेरेस पे चिड़िया के लिए, ताकि चिड़िया, तो दिस इज कंपैशन टुवर्ड्स बर्ड्स, कंपैशन टुवर्ड्स बर्ड्स, व्हिच मींस क्या किया, उसकी तकलीफ को समझा, गर्मी है पानी नहीं है, तकलीफ को समझा, सहयोग दिया, पानी पिलाया, कंपैशन पशु पक्षियों की तरफ। ये सब कंपैशन हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, वी नीड टू डीप अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैशन, दूसरे के दर्द तकलीफ को समझकर उसको सहयोग देना। इमोशनल लेवल पे कंपैशन कैसे क्रिएट करेंगे हम लोगों के लिए, ये हमें फिजिकल लेवल पर दिखाई देता है। जैसे हम लोग कैंसर पेशेंट्स के साथ जाके बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, और जब नियर डेथ होते हैं उनको समझाते हैं, तो वो भी तो इमोशनल है ना, वो फिजिकल लेवल पर दिख रहा है। नहीं तो अब उसको समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन हमें उसकी तकलीफ किस लेवल पर दिख रही है, फिजिकल, हमें पता है वो बीमार है। नहीं, बट जब उसको डॉक्टर्स बोलना चाहते हैं कि नाउ यू गोना डाई, टेक इट डीपर, और ये दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि हाँ ये बीमार है, तकलीफ पे है, आत्मा ने शरीर छोड़ना है, उसको हम सेवा करने जा रहे हैं। और डीपर इमोशनल लेवल पर कोई तकलीफ में है, उसको हमें सहयोग देना है। एक सिंपल एग्जांपल, पिछले एपिसोड में आपने एक एग्जांपल दिया था विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन उसमें भी चेक करते हैं कोई तकलीफ है। आपने कहा कि कोई बैठा है अपने लैपटॉप पे, आईपैड पे कुछ पढ़ रहा है, आप वहाँ से आ रहे हैं, वो आपको देखता भी है
आप स्माइल भी करते हैं लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, जानबूझ के, मैंने कहा चलो जानबूझ के ध्यान नहीं देता है, आप वहां से क्रॉस करते हैं वो ग्रीट नहीं करता. दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल सिचुएशन. ये आई एम द वन, ठीक है, आप वो हैं जो सामने से आ रहे हैं, मैं वो हूँ जो लैपटॉप के साथ बैठी हूँ, मैं आपको देखती हूँ लेकिन इग्नोर करती हूँ, अक्नॉलेज नहीं करती आपकी प्रेजेंस को, विश तो करती नहीं, देखती भी नहीं उस तरफ. क्या मैं कोई तकलीफ में हूँ इस टाइम? नहीं, मैं तकलीफ में नहीं हूँ. आप तकलीफ में इसलिए नहीं है कि आप चाहते हैं कि वो आके मुझे बात नहीं करे मुझसे, आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ और वो जूनियर एक्टर है. ये सारी मैं जो विश नहीं करती, आपको नहीं देखती, ये सब कुछ जो मैं सोच रही हूँ, ये मेरे अहंकार वश है. बिल्कुल है, अहंकार वश है, मतलब उस 7 क्वालिटीज के वश नहीं है. नहीं है. जब भी मैं आत्मा, ये अंडरलाइन करना आज, जब भी मैं आत्मा कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मेरी 7 क्वालिटीज के थ्रू नहीं है, उस क्षण मैं आत्मा तकलीफ में हूँ. हमने इतने एपिसोड से देखा कि जब 7 क्वालिटीज हैं तो वो हेल्थ है, सर्वाइवल है. जब उसके विपरीत कुछ भी है तो वो क्या है? कमजोरी कह सकते हैं ना, बीमार होना. नहीं, इसको तकलीफ को बीमार भी कह सकते हैं. तो इस क्षण मैं आत्मा कमजोर हूँ. कमजोर, वन ऑफ द 7 क्वालिटीज आर मिसिंग. मिसिंग, नॉट वन ऑफ द 7 क्वालिटीज. वो 7 क्वालिटीज सब इंटरकनेक्टेड होती है. हाँ, एक आएगी तो सारी इकट्ठे आ रहे हैं. तो अब आप मेरे लिए थॉट क्रिएट करें, मैं तकलीफ में हूँ. कैंसर पेशेंट बीमार है, तकलीफ में है, ये बहुत इजी दिखता है जी. यहाँ मैंने आपको इग्नोर किया, आपसे सही व्यवहार नहीं किया, ठीक से बात नहीं की, मैं तकलीफ में हूँ, ये आपको दिख रहा है? अगर आपको ये दिख गया कि मैं तकलीफ में हूँ, तब मैं बुरा नहीं मानूंगा. फर्स्ट, तब मैं बुरा नहीं मानूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट. कैंसर पेशेंट बीमार है, आप बुरा नहीं मान रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको, उनकी सेवा कर रहे हैं. मैं तकलीफ में हूँ इस टाइम. मेरी तकलीफ विजिबल तकलीफ नहीं है. दिस वी नीड टू रिमेम्बर, सोल की तकलीफ विजिबल नहीं है, दिखनी नहीं है. हमें सेंस करनी पड़ेगी कि जो आत्मा व्यवहार 7 गुणों के विपरीत करेगी, वो आत्मा इस टाइम अहंकारवश है, तकलीफ में है. अब आपने कहा, जब आपको ये अंडरस्टैंड हुआ मैं तकलीफ में हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगेगा. जैसे ही आपको बुरा नहीं लगा, मींस आपने हर्ट नहीं क्रिएट किया. जैसे ही आपने हर्ट नहीं क्रिएट किया, तो आपने क्या क्रिएट किया? गुड वाइब्रेशन. गुड वाइब्रेशंस, व्हिच मींस हर्ट नहीं क्रिएट किया तो आत्मा की 7 क्वालिटीज तो वही है. अब आपने हर्ट न क्रिएट करके 7 क्वालिटीज वहीं संभाल के आपने मुझे क्या रेडिएट किया? यहाँ वर्ड आ गया स्टेबल. देखिए, मैंने पूछा था ना स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, तो आई एम स्टेबल. यू आर स्टेबल. ओके. यू आर एट पीस. आई एम एट पीस. आपने मुझे क्या रेडिएट किया? सारी 7 क्वालिटीज. 7 क्वालिटीज. आपने मेरी सेवा कर दी. कंपैशन. ये कंपैशन है. एंड इसीलिए वो लाइन इतनी ब्यूटीफुल थी, दिस कंपैशन यू नीड टू हैव फॉर योर ओन सर्वाइवल. इसमें मेरा सर्वाइवल समझाइए. आपका सर्वाइवल नहीं हुआ इसमें. कैसे हुआ? आपने हर्ट नहीं क्रिएट किया और उस पे एक डबल एज हो गया. हाँ? मैंने हर्ट नहीं क्रिएट किया, मेरा भी फायदा हो गया, उसका भी हो गया. कंपैशन में दूसरों का फायदा होता है, वो तो हमें मालूम था, लेकिन दूसरों के प्रति कंपैशन क्रिएट करके हमारा खुद का फायदा. वो जो कोटेशन आपने पढ़ी, लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल. कंपैशन इज असेंशियल फॉर योर ओन पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी. इट इज असेंशियल फॉर योर ओन सर्वाइवल. नथिंग टू डू विद मी. विच मीन्स मैंने जो किया वो तो किया, वो तो मेरा व्यवहार. लेकिन अगर आप मुझे ना समझते, मेरे अहंकार को ना समझते, मेरे दर्द को ना देखते, और अगर मैं ये बोलता
कि क्या समझते हैं अपने आप को, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तू बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूँ, ना विश कर, अगर तू बिजी है मैं दूर जाके बैठूंगा और अगली बार कभी तुम मिलो मैं दिखाऊंगा। ये सारी चीजें वो 7 qualities के विपरीत है। जैसे ही आपने वो थॉट्स क्रिएट करी जो 7 qualities के ऑपोजिट हैं, सोल पावर क्या हो जाएगी? मेरी भी तो कमजोर हो जाएगी, घटेगी। आपकी ही घटेगी, आपकी पीस घटेगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी घटेगी, आपका सर्वाइवल, क्योंकि एक मैं थोड़ी हूँ सारा दिन में, फिर नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सच इंसिडेंसेस। अब सारा दिन में ये वन पर्सन, आई एम वन पर्सन, नेक्स्ट आपको कोई और मिलेगा जो आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, 10 मिनट बाद कोई और मिलेगा जो आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, सारा दिन में आपको 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी दे सकते हैं। स्पेक्ट्रम है सारा दिन में, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। फॉर योर ओन सर्वाइवल, फॉर योर ओन पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी, यू विल हैव टू क्रिएट कंपैशन, विच मीन्स मैं आपके अनुसार काम नहीं करूंगी, मैं आपके अनुसार नहीं चलूंगी, मैं आपके साथ गलत करूंगी, मैं आपको धोखा भी दे सकती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारा दिन में आपको आज मिलने वाले हैं, जीवन में तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। और जब जब ऐसे लोग मिले, हमने क्या क्रिएट कर दिया? ऑपोजिट ऑफ 7 qualities। अगर हमें वो 7 qualities क्रिएट करनी है, आपको मेरे प्रति कैसे देखना पड़ेगा, क्या नजरिया रखना पड़ेगा? मैं इस टाइम क्या हूँ? इस टाइम मैं दर्द में हूँ, आपने कहा ना मैं बीमार हूँ अभी। जैसे आप दैट थॉट ऑफ योर्स सेव्स यू, वो आपको बचा लेती है। अब हमें सारा दिन में ये संस्कार क्रिएट करना है, कंपैशन फॉर द सोल। ये इक्वेशन यहाँ फिट कर लेते हैं, कंपैशन फॉर द सोल मुझे कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि जैसे ही मैंने कंपैशन क्रिएट की, मेरी वो 7 qualities इंटैक्ट है, और 7 qualities इंटैक्ट है तो पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है तो सर्वाइवल ऑफ द सोल, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। सारा दिन में अब अपने आसपास के लोगों को देखें जो अपने अपने संस्कारों वश, हमें सही लगे या नहीं सही लगे, वो संस्कार उनके लिए सही है। अगर कोई बट सिस्टर फिर वो इट इज डिबेटेबल, क्योंकि फिर मेरे भी संस्कार है, आपके भी है, तो अब क्या, पहले सबसे पहले मेरे अपने संस्कारों को वश में करूं तब जाके आपकी सारी बातें। डिबेटेबल नहीं है ये, ये वो आत्मा करेगी जो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती है। अगर आप कहेंगे मैं भी बीमार हूँ, आप भी बीमार हो, तो हम क्या करें इसमें, राइट? लेकिन आप अपना इलाज करना चाहते हैं, विच मीन्स आत्मा को आप वापस शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो अगर आप, मैं नहीं करना चाहती अभी वो, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई विल कंटिन्यू बिहेविंग माई वे। लेकिन आप एक अलग रास्ते चल रहे हैं, आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मेरे व्यवहार को देखते हुए एक राइट थॉट क्रिएट करनी है, और वो राइट थॉट क्रिएट करने के लिए आपको मुझे, मेरे संस्कारों को, मेरे कार्मिक अकाउंट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको मुझे अंडरस्टैंड करना है, और जब आपने ये सब कर लिया तो आपका प्यार, पीस, वो इंटैक्ट है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, विच मीन्स सारा दिन में कितनी भी सिचुएशंस आई, आपकी इनर स्टेबिलिटी बढ़ती गई। तो कंपैशन फॉर द सोल, कितने फायदे हैं इसमें, इसीलिए तो उसमें लिखा था इट इज एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। कितने फायदे नहीं है, इट इज एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। आप सिर्फ एक दिन चेक करें कि जितने भी लोगों को आज आप सारा दिन में मिलेंगे, उनके संस्कारों को, उनके इंटेंशंस को, उनके कर्मों को समझकर, अंडरस्टैंड करके उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी सारा दिन? स्टेबल। ये स्टेबिलिटी सोल पावर बढ़ाएगा, और वो अंडरस्टैंडिंग जो आपने की
दैट इज कंपैशन, क्योंकि स्टेबल रहने से आपने उनकी सेवा की. जब आप स्टेबल रहते हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ. मैंने एक चीज नोट की सिस्टर, जब मैं स्टेबल रहकर किसी को जब समझाता हूँ स्टेबल होने के बाद, उसका जरा टाइम लेके, तब वो आदमी समझता भी है. मैं अगर स्टेबिलिटी मेरी खो के मैं बोलूं यार तुम क्या ये हमेशा करते रहते हो, तो ऐसी बात करते हो, सोचा करो, यू नो, स्टाइल भी बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है. अगला आदमी एक वॉल क्रिएट कर लेता है, डिफेंसिव हो जाता है. हाँ. वो बोलता नहीं नहीं नहीं, और बाद में थक के बोलता आई एम लाइक दिस, जो करना कर लो. हाँ. you know? ये सब उसने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि आपने इंटरनली, मैं स्टेबल नहीं रहा ना. स्टेबल नहीं रहे मतलब एक्सेप्ट करने की बजाय उसको क्या किया है? क्रिटिसाइज किया, रिजेक्ट किया. तो शब्दों में हर्ट किया. रिजेक्ट जब पहले हम करते हैं किसी को, रिजेक्ट कैसे? रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट का ऑपोजिट. एक्सेप्ट कैसे करते हैं हम किसी को? आई एक्सेप्ट यू एज यू आर. एक्सेप्ट किया, एक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो रिजेक्शन आ गया. उस क्षण रिजेक्ट किया ना, उस क्षण. रिजेक्शन इज सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. इट इज ओनली ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस. नो नो, इट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस. रिजेक्ट एक्सेप्ट ऑपोजिट. लेकिन रिजेक्शन जिसको होता है उसको दर्द कितना होता है? रिजेक्शन मीन्स क्या और एक्सेप्टेंस मीन्स क्या? आपके व्यवहार को देखकर अगर मैं स्टेबल, तो आई एक्सेप्टेड यू. अगर आपके व्यवहार को देखकर मैं डिस्टर्ब, तो मैंने उस व्यवहार को आपके क्या किया अभी? रिजेक्ट किया, आई गॉट डिस्टर्ब्ड. अगर हम ऐसे ही इमिजिएटली किसी को कुछ बोल देते हैं, तो हमने पहले ही उनको वाइब्रेशन कौन सी भेजी? रिजेक्शन की. फिर बोला तो वो नहीं सुनेंगे और समझेंगे. कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, एडवाइस. मैंने यही कहा था कि अगर मैं स्टेबल ना रहूं, किसी ने कोई कुछ बिहेव कर रहा है, अगर मैं अनस्टेबल हूं, तो मेरा ढंग बात करने का भी तो बदल जाता है ना. तो एनर्जी में रिजेक्शन, एंगर, इरिटेशन, क्रिटिसिज्म, वो सब आ रही है. तो आप तो डिस्टर्ब हुए, मुझे भी वो एनर्जी आई, तो मेरा वो कहना मानने के चांसेस भी कम होने वाले हैं. लेकिन अगर आपने मुझे समझा, एक्सेप्ट किया, दिस इज कंपैशन, स्टेबल रहे, फिर एडवाइस दी. काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? कंपैशन. काउंसलर हैज कंपैशन फॉर एवरी पर्सन हु हैज कम देयर. कंपैशन मतलब वो उनकी वो कर्म को, उनके वो संस्कार के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करते कुछ भी. वो समझते हैं, हाँ ऐसा हो गया, ये ऐसा फील कर रहे हैं. जैसे ही वो करते हैं, उनसे वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट होगी? कंपैशन, रिस्पेक्ट. फिर वो जो बोलेंगे, वो राय, वो एडवाइस, वो व्यक्ति सुनेगा. हम डिस्टर्ब होकर बोलेंगे तो नहीं सुनेगा. सो दैट लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल, बट दैट वी टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, कि दूसरे पर क्या असर. लेकिन जो क्रिएट कर रहा है सबसे पहले, कंपैशन, इम्पॉर्टेंट फॉर माई ओन पीस, मेंटल स्टेबिलिटी. मुझे औरों को समझना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और उनको अपनी शांति और प्यार का सहयोग देना है. दिस इज कंपैशन. तो जितना हम सारा दिन में ये करते जाएंगे, सोल पावर बढ़ती जाए. तो अपनी कंपैशन की डेफिनेशन को भी क्या करना है? और ऊपर उठाना है. आई एम कंपैशनेट फॉर एवरी सोल एंड फॉर माईसेल्फ. Myself है. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660. Om Shanti. Om.